Hello my beautiful souls, welcome to my channel. I hope you all doing well. आज हम देखेंगे 1st October से लेकर 15th October 2022 next 2 week blessings and guidance for you. And यहाँ पर crystal bracelet options में भी है and initials भी है. आप initials भी choose कर सकते हैं और अगर आपको bracelet attract करी है bracelet intuitively, okay? मैं time stamps पर initials डाल दूँगी, okay? And एक screenshot भी अगर हो तो मैं डाल दूँगी, तो आप intuitively pick कर सकते, thumbnail पे भी होगा, okay? And group number one मैं एक बार दिखा देती हूँ initials, okay? Thank you. And tiger eye crystal bracelet, group number one, thank you. Group number two. And rose quartz crystal bracelet, okay. And group number three, initials, your initials, and green jade bracelet, okay. अगर वीडियो पसंद आए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे. पर्सनल रीडिंग की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो कार्ड रिगार्डिंग. थैंक यू सो मच. चले बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स के साथ रीडिंग को शुरू करते हैं. थैंक यू. वेलकम ग्रुप नंबर वन. चलिए देखते हैं 1st October से लेकर 15th October 2022 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, कौन सी एंजल के साथ आप कनेक्ट करेंगे और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं उस एंजल को नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, ओके. मन में उठा कोई भी क्वेश्चन के लिए हो आप इस एंजल को कॉल कर सकते हैं. दूसरी है आपका फोको पॉइंट क्या होना चाहिए, ओके. एंड ओवरऑल ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस. आपने टाइगर आई क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ की है और थ्रू इनिशियल्स आप इस फाइल को देख रही हूँ, CFILORUX आपके इनिशियल्स. थैंक यू. लेट्स सी नेक्स्ट 2 week एनर्जी गाइडेंस ब्लेसिंग्स. थैंक यू, थैंक यू. चलिए एंड आउटर वर्ल्ड हिडन वर्ल्ड से क्या गाइडेंस है, एंसेस्टर गाइडेंस एंड आपकी एंजल. थैंक यू. आपकी फोको पॉइंट, थैंक यू. मेन एनर्जी सिक्स चक्र आर्केंजल मेटाट्रन नंबर 40 कार्ड, ये थर्ड आई चक्र का एनर्जी है. नेक्स्ट 15 डेज में आप हो सकते बहुत सारे एंजल नंबर आपको दिखाई दे एंड वेरी मैं नहीं कह रही हूँ कि आपका स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 15 डेज में. हो सकते बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में ही जा रहे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ही प्रोसेस में चल रही है. बट नेक्स्ट 15 डेज में ओवरऑल एनर्जी थर्ड आई चक्र का, इट्स मीन्स विजन, जो हुआ ही नहीं है जो होगा उसका पूर्वाभास करना, उसको साइन के थ्रू से डिफरेंट डिफरेंट साइन की साइन मिलना, एंजल नंबर दिखना. एंड कभी कभी होता नहीं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बड़े इवेंट होने जा रही है, घटना हो दुर्घटना हो या फिर कोई अच्छी इवेंट, गुड पॉजिटिव गुड और बैड डजेंट मैटर, इट्स मीन्स कुछ इवेंट आने से पहले ही आप उसको आभास कर पाएंगे. एनर्जी वही बोल रहा है, सिक्स चक्र थर्ड आई चक्र ओपन होना, जो हुआ नहीं है उसको देखना. चलिए देखते हैं. थैंक यू. ओवरऑल एनर्जी अबंडेंस नंबर वन. क्वाइट इंटरेस्टिंग इस डेक में सभी, क्योंकि क्रो के पास बहुत सारी मछली है तो मतलब खाना है, इट्स मीन्स फूड है, अबंडेंस है. और दूसरे क्रो लेकर आ रही है, हो सकता है इस क्रो ने ही इसको यहाँ पर इकट्ठा की है, कुड बी स्प्रेड गाइड. तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए अबंडेंस अनएक्सपेक्टेड मनी गेन हो सकती है एंड यू फील वेरी अबंडेंट प्रॉस्पेरस. बहुत हो सकता है यहाँ पर फैमिली रीयूनियन हो, बहुत सारे क्रो मिलकर एक साथ जैसे एक ही प्लेट से खाना खा रही है, होते ना बहुत क्लोज कोई पर्सन के साथ एक ही प्लेट शेयर कर रही है, मुझे वो भी एनर्जी आ रही है एक ही प्लेट शेयर करना. थैंक यू. बहुत सारे लोग आप कॉल करोगे घर पे, इनविटेशन और इनविटेशन आना घर पे, यू नो एक गेट टुगेदर पार्टी यूनियन, बहुत सारे लोग जैसे यू नो शेयर करिए फूड, रेस्टोरेंट पे जाना, मतलब फूड की एनर्जी आ रही है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो आप. लेट्स सी. थैंक यू. एनोमली नंबर टू. एक्चुअल में यहाँ पर इतने सारे क्रो है, सभी ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, बट दिस इज़ द वाइट क्रो, बहुत रेयर है, राइट. हमें वाइट क्रो बहुत इजीली दिखाई पड़ता है नहीं, बिकॉज बहुत रेयर है.
इट्स मीन्स आप में डेफिनेटली कोई ऐसे यूनिक रेयर कोई गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो आपको सबसे अलग करता है। एंड दैट्स वाई इस पर्सन की कोई फ्रेंड नहीं है, बिकॉज ये बाकी क्रो की भांति है ही नहीं। एंड रियलाइजेशन एनमली, जैसे आपको आभास होगा बहुत टाइम से हो सकते हैं कि आपका ये जो अलग रहना है, आइसोलेट डिटैच्ड होकर आप रहते थे एंड लोग काफ़ी आपसे भी जैसे दूर दूर रहते थे, क्योंकि वो आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को नहीं जानते। जब आप ही नहीं जानते तो वो कैसे जानेंगे। तो समहाउ यहाँ पर एक कैवस कन्फ्यूज सिचुएशन पहले थे, बट फिर भी इस वाइट क्रो को देखकर जैसे आप सरेंडर कर चुके हैं, बिकॉज आपका फर्स्ट कार्ड अबंडेंस आया हुई है एंड बैक टू बैक कार्ड आई है 1 एंड नंबर 2, वेरी रेयर। ओके नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, आई थिंक कुछ और भी मैसेज है इस कार्ड में। लेट्स सी, आइसोलेशन नंबर 27, कोई बारिश में भीग रही है, जैसे कोई शेल्टर नहीं है। बहुत सारे क्रो जैसे मौज मस्ती कर रहे बट वो भी बारिश में भीग रहे, बट एक क्रो भीग रही है ताकि आंसू दिखाई ना दे बारिश में। इट्स मीन्स लंबी टाइम से आप फन सेलिब्रेशन से घर में भी अगर कोई पार्टी फंक्शन हो रही है, आप दूर दूर रहते थे, डिटैच रहते थे। इवन जैसे आपका ड्रेसअप ऐसा हो कि लोग शॉक्ड हो जा रहे, ये पर्सन ने इस टाइप की ड्रेस पहनकर आ गई है, मतलब सोच ही नहीं सकता। आप हो सकते कभी साड़े नहीं पहनते थे, या फिर आप ऐसे कुछ ड्रेस पहन रही हो जो लोगों मतलब दूसरे पर्सन से आपको अलग करेंगे। आपका ड्रेसअप सेंस, कलर सेंस दूसरे पर्सन से अलग करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए आप फन सेलिब्रेशन से काफ़ी दूर थे एंड धीरे धीरे आप केप से बाहर आ रहे, आइसोलेशन एनमली एंड अबंडेंस। आपको मालूम हुई है, जैसे आपको पता चल गई है कि आपका स्पिरिचुअल जो गिफ्ट है वो रेयर है, यूनिक है, बट कुछ व्यूअर्स अभी भी उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट पर बिलीव नहीं कर पा रही है। अभी भी खींचातानी है एनर्जी में। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, बट यू आर वेरी डिफरेंट है, डिफरेंट एनर्जी, आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, बट बहुत क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने जा रहे, कुछ ऐसे होने जा रहे, कुछ ऐसा कुछ जो कभी नहीं हुई है, बिकॉज अबंडेंट फर्स्ट कार्ड है। लेट्स सी, थैंक यू नंबर 1 मैजिशियन, थैंक यू सो मच मैजिशियन। टेम्परेंस, ओके, 4 ऑफ वांड्स, इन्विटेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन्विटेशन, द मून, मून इज आइसोलेशन, मून इज इल्यूशन, मून इज इंट्यूशन एंड द हायरोफैंट। 4 मेजर अरकान आई है आपकी कार्ड में से, 4 मेजर अरकान है, 1, 2, 3, 4। एनर्जी विल बी ह्यूज माई डियर, एंड पर्टिकुलरली आपके घर में, बट आप किसी चीज़ को लेकर बहुत टाइम से उलझन में थे, या फिर वरीड थे किसी हो सकते मैरिज को लेकर। स्पिरिट गाइड आपको कह रहे कि धैर्य रखो, मैजिशियन मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में। इवन हायरोफैंट एनर्जी, घर की कोई बड़े सदस्य, लड़के वाले या फिर लड़की वाले की कोई बड़े सदस्य हो, सीनियर, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, और मेल फिगर ज़्यादा नज़र आ रही, पिताजी हो सकता है, कि रिश्ते लेकर आए, बिकॉज 4 ऑफ वांड्स कार्ड, इन्विटेशन लेकर आए। घर में कोई सीनियर पर्सन आएंगे, घर में कोई सीनियर पर्सन, वो विजिटर्स को अतिथि यहाँ पर नज़र आ रही है, बट कंटिन्यूसली आप ओवर थिंक कर रही हो, अपनी इस यूनिक एनर्जी को लेकर आप बिलीव नहीं कर पा रही हो। ग्रुप नंबर 1 मैजिशियन, यू हैव ए ह्यूज पोटेंशियल, बिलीव मी, एंड ये जो कार्ड ना चिल्ला चिल्ला कर एक ही बोल रही है, यू हैव ए ह्यूज पोटेंशियल, बट आप बिलीव नहीं कर पा रही है, या फिर बिकॉज टेम्परेंस दो ग्लस को लेकर, पानी को लेकर और फायर को लेकर जैसे मिक्स करते हैं, शायद बहुत सारे लोगों की वो मिक्सिंग ख़त्म नहीं हुई है, दैट्स वाई वो खींचा तानी चल रही है लाइफ में। आप किसी उलझन में हैं, मुझे यहाँ पर एक क्रॉस रोड दिखाई दे रही है कि इस बात को चुने या फिर इस बात को, तो कुछ इस चीज़ की एनर्जी आ रही, बट धीरे धीरे आप रियलाइज़ करें अनमले, एंड आप एक पाथ को चुनने में सक्षम होंगे नेक्स्ट 15 डेज में। हायरोफैंट करियर स्टडीज रिगार्डिंग भी बहुत एनर्जी पॉजिटिव, हायर स्टडीज रिगार्डिंग विद दिस मैजिशियन हायरोफैंट, यस कार्ड नज़र आ रही है करियर वर्क फील्ड के लिए। अगर आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दी है उस जगह पर एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। बहुत टाइम से हो सकता है आपने ताने सुनी आइसोलेशन, बिकॉज आप कुछ अनकन्वेंशनल कुछ करी है, जैसे जो लोग एक्चुअल में कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई एक आर्मी मिलिट्री पुलिस फोर्स में, बट आपका एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है, डिफरेंटली आप सोचते हैं, दूसरे पर्सन की बातें आप नहीं हैं,
एंड दिस इज़ योर यूनिक रेयर गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स। दैट्स वाई बहुत टाइम्स आप डिटैच थे, क्योंकि आदिशक्ति को भी वो बोध नहीं थी जब माता पार्वती के रूप में जन्म ली थी। उनको भी वो तपस्या करने पड़े, सिर्फ महादेव के लिए नहीं, महादेव को पाना ही नहीं एकमात्र उद्देश्य था वहाँ पर, उद्देश्य ये भी थे कि उन्हें आदिशक्ति का बोध होना था। तो दैट्स वाई मुझे जैसे ये वो प्रोसेसिंग चल रही है। लेट्स सी फोको पॉइंट ग्रुप नंबर वन, आपकी फोको पॉइंट फोकस कहाँ रहेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोसेसिंग चल रही है पूरी तरह से। आप अपनी पास्ट सेल्फ को छोड़कर आप मूव फॉरवर्ड करें। देखिए स्पिरिचुअल जर्नी जो है इसका मतलब आप पास्ट की घटना को रिपीट नहीं करना चाहते, वरना वो स्पिरिचुअल जर्नी नहीं होगा। आप आगे बढ़ना चाहते हैं पास्ट को छोड़कर, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल जर्नी, एंड वही नज़र आ रही है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस शेयरिंग लुक, एंड इस कार्ड को देख कर ना जैसे लग रहा है कोई लैविशली कोई एक लाइफ लीड कर रही है, एक ऐसी ड्रेसअप जो कभी नहीं की। पॉमीग्रेनेट ग्रेप्स की एनर्जी, अबंडेंस, फुल ऑफ अबंडेंस विद दिस फर्स्ट कार्ड, अबंडेंस। सो डेफिनेटली यहाँ पर गिफ्ट्स की एनर्जी आ रही, गिफ्ट्स देना लेना, यहाँ पर एक एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। क्वाइट पॉसिबल एनर्जी एक्सचेंज होगी, न्यू पीपल से मीट करने की भी एनर्जी आ रही है बिकॉज ऑफ मैजिशियन विद दिस हायरोफेंट। न्यू पीपल मीट करना, एंड आप मैनिफेस्ट कर रही हो, एंड जिस तरह से टेम्परेंस फायर को, अगर आप ट्रेडिशनल टैरो कार्ड में टेम्परेंस को देखेंगे, वो जिस तरह से फायर में पानी डाल रही है ना, उसी तरह से आपका एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है थ्रू मैजिशियन एनर्जी। ह्यूज पोटेंशियल है ना, आपका इंट्यूशन विजन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी अदर वर्ल्ड से, हिडन वर्ल्ड से नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या मैसेज है आपके लिए। रेस्टिंग ट्री, पेशेंस, स्टिलनेस, टूटू। वैसे टेम्परेंस कार्ड भी पेशेंस की बात करते हैं। रेस्टिंग ट्री, बहुत कुछ मत सोचिए नेक्स्ट 15 डेज में। ऐसा नहीं कि एनर्जी बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, जैसे कहा जा रहा है कि कूल काम रहूं। एंड रेस्टिंग ट्री जब आपके कार्ड में आई, बिकॉज ये नंबर 4 से है, इट्स मीन्स राहु। राहु मीन डिज़ायर, इल्यूशन, एंड राहु एक माया की भांति एक चक्रव्यूह रचना करते हैं जहाँ पर आपको ट्रैप करते हैं, और बहुत टाइम तक आपके समय को बर्बाद करने के बाद एकदम से पूरी तरह से एक पूरे जूस को निकाल लेता है, देन छोड़ देता है अगर राहु पॉजिटिव नहीं है बात चाल में, एकदम चोर की भांति। इट्स मीन्स कि थोड़ी जैसे एक पर्सन एक केव में ही है, एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठा हुई है। आप अगर डेफिनेटली कैंडल से यहाँ पर मुझे थोड़ी जैसे आप कैंडल जलाकर मेडिटेशन वगैरह कर सकती हैं, इवन किसी वृक्ष के नीचे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड का एक रेमेडी भी है वृक्ष के नीचे मेडिटेशन करना, कैंडल के साथ मेडिटेशन करना, कैंडल जलाकर मेडिटेशन करना। बट ये जो नेक्स्ट 15 डेज बहुत एक्शन ओरिएंटेड नहीं, जैसे यहाँ पर प्रोसेस चलेंगे स्लो मोशन में, तैयारी की है। ऐसा नहीं है घर में बैठे रहना वो रेस्टिंग नहीं है, आप अपना दिमाग को थोड़ी जैसे शांति रखना होता ना, कि बहुत सारी उलझन अभी भी मौजूद है उसको लेकर नेक्स्ट 15 डेज में मत सोचें, क्योंकि कुछ अबंडेंस आ रही है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। क्या नहीं है लैक की तरफ ना देखें ग्रुप नंबर वन। एंसेस्टर स्पिरिट गाइड देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स देंगे आपको। सेज, बी डिवोटेड, कमिटेड, सेज मंत्र का जाप करना एनर्जी, या पिकअप फेदर दिखाई दे रही है। इवन आप अपने घर में पिकअप फेदर भी रख सकते हैं, जिस जगह पर रखेंगे नेगेटिविटी उस जगह से रिलीज हो जाते हैं। मुझे अगेन एक प्लांट के नीचे ही एक ऋषि मुनि जैसे कुछ लिख रही है माइंड, एक प्लांट के नीचे, एक वृक्ष के नीचे। बियर फूड 10 to 15 मिनट्स वॉकिंग मेडिटेशन करें। आपके घर में कोई ऐसे ऋषि मुनि का आगमन हो सकती है, इवन इस टाइम फ्रेम में बहुत दीक्षा वगैरह लेते हैं, या फिर मंत्र का मंत्र लेना, इस टाइप की भी इवेंट मुझे नज़र आ रही है। सैक्रेड रिचुअल्स होना, सेज मंत्र का जाप होना, आपके घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स मंत्र का जाप हो, पूरे कोने कोने जैसे गूंजे, वो एनर्जी है। लेट्स सी कौन सी एंजल स्प्रिट गाइड के साथ आप काम करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में, आप कॉल कर सकते हैं। ओके, हाय मर्लिन, नंबर 24, एल्केमी, मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन, टू टाइम्स यू हैव ए मैजिशियन। एंड मर्लिन की एनर्जी मरकरी का एनर्जी, मैजिशियन का एनर्जी है ही मरकरी का। एल्केमी, मैनिफेस्टेशन एंड मैजिशियन, आप मैनिफेस्ट करें माय डियर। सेलेनाइट क्रिस्टल, क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। मर्लिन आपकी विश, आपकी डिज़ायर को फुलफिल कर रहा है माय डियर, आप कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में। आप इवन मर्लिन को ही कॉल कर सकते हैं जो भी आपका विश है। ओके, आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग
जैसे आप मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर गुड मैनिफेस्टर एंड वेरी सून 5G एनर्जी 3D रियलिटी में कन्वर्ट होने जा रही है एंड धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएंगे। इस कार्ड को छूते ही ना मुझे बहुत ही बोल्ड फियरलेस कॉन्फिडेंट एनर्जी नज़र आ रही है। आप अपने आप को लेकर गर्व महसूस करें बिकॉज ये एनर्जी अभी मौजूद है। आइसोलेशन ऐसी आपकी एनर्जी वेशभूषा होगी कि आप अपने आप को लेकर गर्व महसूस करेंगे। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज 1st अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2022 ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए फोको पॉइंट एंड आप कौन सी एंजल स्प्रिट गाइड को कॉल कर सकते हैं और उनके साथ आप काम कर सकते हैं हम देखेंगे। ओके चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। आपने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट चूज़ की है और आपकी इनिशियल्स। ओके चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू स्प्रिट गाइड। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं। थैंक यू स्प्रिट गाइड। थैंक यू। ये आपकी एंजल स्प्रिट गाइड कि जिस एंजल के साथ आप काम करेंगे एंड सिस्टर स्प्रिट गाइड ये हिडन वर्ल्ड से आपके लिए मैसेज एंड ओवरऑल एनर्जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड। थैंक यू। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी। हीलर ऑफ द एजेस 51 ग्रुप नंबर 2। यहाँ पर एक टेम्परेंस की कार्ड फॉर्म हो रही है। वाटर एंड फायर में बैलेंस हो रही है। आपकी हार्ट चक्र ओपन हो रही है। आप रिसेप्टिव हो रही हो जैसे धीरे धीरे आप रिसीव करने के लिए रेडी हो रही हो। नेक्स्ट ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए नेक्स्ट 15 डेज में आप रेडी हो रही हो। साथ में आपकी लुक किस तरह से कि येलो ऑरा दिखाई दे रही है कार्ड के भीतर से, मतलब इस पर्सन के भीतर से। यहाँ पर हो सकता है कोई ऋषि मुनि के साथ आप बातचीत करें। मुझे यहाँ पर एक एक्चुअल में क्राइस्ट का एनर्जी मुझे नज़र आ रही है बट हो सकता है आप कोई ऐसे कोई साधु संत के सान्निध्य में आए नेक्स्ट 15 डेज में। हीलर ऑफ द एजेस एनर्जी। ओके लेट्स सी। थैंक यू। कुछ हील हो रही है, रिकवरी की एनर्जी है। थैंक यू। कुछ चीज़ें ठीक हो रही है, फिक्स हो रही है। इवन जैसे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर अपनी कोई मशीन को ठीक करेंगे, कोई मशीनरी कोई चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मशीनरी चीज़ों को ठीक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। मरम्मत ही करवाएंगे कोई टूटा फूटा चीज़ जैसे वो ठीक होगा। लेट्स सी। थैंक यू। क्यूरियोसिटी नंबर 11 अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स क्यूरियोसिटी। किसी की उत्साह बढ़ी है आपकी लाइफ में, चल के आ रहा है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। कोई क्रो ना एकदम से दरवाज़ा ओपन करके देखना चाहते घर के अनदर क्या हो रही है झांक कर। एंड डेफिनेटली परमिशन तो लिया नहीं है। तो कुछ ऐसे पर्सन हैं जो आपकी लाइफ में इंटरेस्ट है, आपकी लाइफ में क्या हो रही है क्या चल रहा है। बिकॉज यहाँ पर एक क्रो दिखाई दे रही मिरर की वजह से दिखाई दे रही है एंड दिस इज़ एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स और जो क्यूरियोसिटी है इस पर्सन को आपको लेकर। ऐसे किसी पर्सन का आगमन हो सकता है बट बहुत क्यूरियोसिटी आपकी लाइफ आपके जीवन आपके घर में क्या हो रही है। लेट्स सी। थैंक यू। वार्निंग। ओके 52 वार्निंग कार्ड है। ओके नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। ट्रिकरी। दिस इज वार्निंग एंड ट्रिकरी। क्वाइट पॉसिबल ये जो पर्सन नंबर 11 कार्ड क्यूरियोसिटी में आई है वर्डिंग एंड ट्रिकरी। हो सकता है आपने पास्ट में काफ़ी धोखेबाज लोगों के साथ आपका पल्ला पड़ा था। क्वाइट पॉसिबल। बट आप जब भी नेक्स्ट टाइम कोई ट्रैप में आप पड़ेंगे समहाउ बिकॉज ऑफ वार्निंग ए क्रो जैसे कोई वार्निंग सिग्नल दे रही कोई रेड फ्लैग्स दे रही है। इट्स मीन्स क्यूरियोसिटी है ऐसे पर्सन अगर आपके कुछ नुकसान करना भी चाहते हैं, ऐसा कुछ झांक कर देखना भी चाहते हैं, आपको जैसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे माय डियर। वो एंजल्स स्प्रिट गाइड के थ्रू से हो, वो कोई मैसेजेस के थ्रू से हो, अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाना हो बिकॉज कोई धोखेबाज लोग भी नेक्स्ट 15 डेज में आप देखेंगे। या ट्रिकरी इट्स मीन्स जो अपनी ट्रू सेल्फ को छुपा रही है और दूसरे सेल्फ दिखाई दे रही है जो एक्चुअल में वो है ही नहीं एंड समहाउ आप इसको समझ पाएंगे।
विथ दिस वर्निंग एंड क्यूरियोसिटी। आप समझ पाएंगे माय डियर कि वो पर्सन इंटरेस्ट ले रही है, वो पर्सन मुझे फॉलो कर रहा है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आप समझ भी जाएंगे कि उस पर्सन में कुछ गड़बड़ी तो ज़रूर है। मुझे यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की एनर्जी ना, कोई सिचुएशन नहीं, यहाँ पर सम पीपल एंड वेरी क्यूरियस अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर लाइफ जर्नी, रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वट एवर। बट यस, बहुत क्यूरियसिटी इनका है, झांक कर देखना चाहते हैं, बट समहाउ आप इनको रेड फ्लैग्स ही दिखाएंगे। मुझे वो भी एनर्जी आ रही, बिकॉज आप बहुत पास्ट के इवेंट की वजह से आपका एक्सपीरियंस बहुत है, दैट्स वाई मुझे यहाँ पर एक रेड फ्लैग आप शुरुआती देर में शुरुआती दौर में दिखाएंगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, इंटरेस्टिंग रीडिंग। बट इस पर्सन का क्यूरियसिटी बहुत है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चलिए देखते हैं, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, ओके लेट्स सी। स्टार्ट करो, पास्ट इवेंट है, पास्ट इवेंट, पास्ट का कुछ टॉक्सिक साइकिल के भी यहाँ पर एनर्जी आ रही, पास्ट का इमीडिएट पास्ट हो, पास्ट का कोई बड़ी इवेंट जो आपकी लाइफ में सच में एक हार्ट ब्रेक देकर गई है, एंड नाउ यू आर वेरी केयरफुल। कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड भी है आपकी, शायद वो नेगेटिव नहीं है, फिर भी हो सकता है कोई दोस्त बनकर, ट्रिकरी का मतलब ऐसा नहीं हमेशा ही वो नेगेटिव एनर्जी है, कोई दोस्त बनकर आ रही, बट शायद दिल में कुछ और भी फीलिंग्स है, डीप फीलिंग्स है। बट आप तो एकदम झंडा लगा कर रखे हो, रेड फ्लैग्स लगाकर, भाई मुझे नहीं चाहिए, सभी धोखेबाज होते हैं। तो कुछ इस टाइप की थोड़ी आपकी एनर्जी आ रही है, बिकॉज फाइव ऑफ पेंटाकल्स एंड स्टार कार्ड, आपने लाइफ में एक साइकिल देखी है जहाँ पर ऐसी मतलब धोखेबाज लोगों के साथ पल्ला पड़ी है, उम्मीद आपने एक चीज़ के लिए की वो मिला नहीं है। एस ऑफ पेंटाकल्स, या यहाँ पर कुछ डिफरेंट फ्रेश एनर्जी है आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड मनी ब्लेसिंग, फाइव ऑफ पेंटाकल्स स्टार, राहत मिल रही, बोनस मिल रही है अनएक्सपेक्टेड, और इंक्रीमेंट बढ़ जाना, प्रमोशन होना अचानक से सडन, बिकॉज फाइव ऑफ पेंटाकल्स लंबी टाइम से हो सकती है एक फाइनेंशियल इशू भी चल रही थी, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं थी, स्टार एंड एस ऑफ पेंटाकल्स ब्लेसिंग दे रही है आपको अपॉर्चुनिटी की। थैंक यू चैरियट, वाओ रेड कार्पेट हियर एंड आई डोंट नो, अचानक से देखकर जैसे मुझे वाइब्स आ रही है आपकी, यू नो कार खरीदने की एनर्जी आ रही, कार, कोई व्हीकल, स्ट्रांगली एनर्जी है, कोई व्हीकल, कार खरीदने की एनर्जी आ रही है। चैरियट हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में आप पूरी फैमिली के साथ कोई टूर ट्रैवल पे जाए, बहुत टाइम से आप वो स्पेंड नहीं कर पाते, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे, समहाउ आप मैनेज कर लेंगे टाइम को एंड आप जा रही हो। स्टार एनर्जी में जैसे एक सी बीच एरिया दिखाई दे रही है, एंड अगेन हियर इज अ सी बीच एरिया, जैसे आप पूरी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाओगे। चैरियट, आप जब यू नो जैसे आपका ड्रेसअप को लेकर कम्प्लीमेंट गेटर जिसको कहते हैं, माय डियर दिस इज़ द एनर्जी, ड्रेसअप, आपकी परफ्यूम, आपका हेयर स्टाइल कम्प्लीमेंट गेटर होगा, एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटाकल्स, यस। यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में आप किसी काम को पोस्टपोन कर कोई दूसरे इवेंट करेंगे, दूसरे काम करेंगे, हो सकता है आपका एक किसी पर्सन के साथ मीटिंग मीटिंग फिक्स थी, बट समहाउ फैमिली को टाइम देना हो या फिर फैमिली के साथ कहीं जाना हो, उसकी वजह से मीटिंग को कैंसिल कर आप जाएंगे, मुझे उस टाइप की वाइब्स आ रही हैं। बट डजेंट मैटर, आप काफ़ी हैप्पी फील करें उसको लेकर, वो आपके लिए सेक्रीफाइस नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ड्यूटी भी है, मुझे जैसे आप यू नो वो पूरी तरह से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के जैसे आप नेक्स्ट 15 डेज में नज़र आ रही है, एंड वेरी ऐसा नहीं बहुत फास्ट मूव, बिकॉज चैरियट को यहाँ पर थोड़ी ब्रेक मारी है नाइट ऑफ पेंटाकल्स ने, तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा होगा कि कुछ डे बहुत एक्टिव रहेंगे, कुछ डे आप बहुत पैसिव रहेंगे, थोड़ी जगलिंग की एनर्जी आ रही, 4-5 दिन एकदम से काम 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 हो गया, बहुत नेक्स्ट 2 डेज कुछ काम ही नहीं की, तो इस टाइप की थोड़ी ब्रेक मारने की एनर्जी आ रही है। एंड यहाँ पर रिपेयर है, गाड़ी को ठीक करवाना, इवन आप जब किसी लॉन्ग ड्राइव पे जा रही है, किसी जगह पर ट्रैवल, अपनी गाड़ी को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वार्निंग बिल्कुल नहीं है ये, सिर्फ मुझे थोड़ी वाइब्स आई, दैट्स वाई, गाड़ी ब्रेक ठीक है या नहीं, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ, उस अगर आप किसी दूसरी गाड़ी को हायर करते हो उसका डॉक्यूमेंट्स सब कुछ ठीक है या नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा पूरी तरह से, ठीक है। थैंक यू, लेट्स सी, थैंक यू। आपकी फोको पॉइंट नेक्स्ट 2 वीक की फोको पॉइंट आपके लिए 3 कार्ड हैं, ओके
बर्डन, इसके ऊपर सर के ऊपर कोई चढ़कर बैठे हैं एंड यही गाइड करें कि इस तरफ चलो. सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोइंग विथ फ्लो, ओके, मेन फोकल पॉइंट एंड दिस इज पार्टिसिपेशन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बर्डन होने के बावजूद भी आप उसको साथ में अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाएंगे. एंड पार्टिसिपेशन इवेंट, सेलिब्रेशन दिखाई दे रही घर में, रिसेंट गैदरिंग, रीयूनियन एंड इवेंट, हो सकता है आपको ही पूरा मैनेज करना पड़ रहा है. ग्रुप नंबर टू, पूरे इवेंट मैनेजर की जैसे, प्रोजेक्ट मैनेजर की जैसे, जैसे आपको ही वो अरेंज करना होगा. बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज इट्स लुक्स वेरी यू नो, एक बर्डन से फील हो रही है, बट फिर भी ये बर्डन में भी गोइंग विथ फ्लो आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर पा रही है. सेलिब्रेशन है, ट्रैवल है यहाँ पर, ओके. कुछ व्यूअर्स के लिए लिटरली यहाँ पर मैरिज प्रपोजल है विद दिस एस ऑफ पेंटेकल्स एंड पार्टिसिपेशन. लेट्स सी, आउटर वर्ल्ड से, अदर वर्ल्ड से, हिडन वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. डेजर्ट प्रिंस सर्वाइव, इट्स अ डेजर्ट प्रिंस सर्वाइवल, फॉल्स प्रोमिसेस. आपकी रीडिंग में इतनी सारी पाइल, तो इतनी बार ये फॉल्स प्रोमिसेस, डिसेप्टिव एनर्जी, चमकती हुई चीज़ें हमेशा सोना नहीं होते. ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, नो. सो समटाइम्स ये आई थिंक सर्वाइवल होते ना, कि जिसमें वो पावर है, विल पावर है, ये डार्विन की थ्योरी है, जिसके अंदर वो विल पावर है वही टिके रहेगा एट द एंड ऑफ द डे. सो दिस इज़ द सर्वाइवल. आई मीन्स आप जैसे हर वक्त स्ट्रगल कर रहे हो आपने आपको प्रतिष्ठा दिलाने के लिए, अपने आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए. एंड पास्ट में मुझे कंटिन्यूसली नज़र आ रही, पास्ट में आपने कोई धोखेबाज, इवन बहुत क्लोज रिलेटिव भी हो सकते, बिकॉज फाइव ऑफ पेंटाकल्स में जो कार्ड आई है, फर्स्ट कार्ड, ये फर्स्ट कार्ड है आपके लिए, तो उसका एक टेल दिखाई दे रही है कि वो ऑलरेडी, जैसे वो अभी भी वो ख़त्म नहीं हुई, अभी भी वो उसका परसेंटेज है एंड आप उसके साथ लड़ रहे हो, उसको भोग रहे हो, बट आप फिर भी जर्नी को ख़त्म नहीं करना चाहते. आप जैसे खड़े होंगे एंड दिखा देंगे कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका अर्थ मिशन बहुत बड़ा है, तो अपने आप को प्रूफ करना, ये जैसे एक सर्वाइवल की एक जर्नी, जैसे एक वो स्ट्रगल चल रही है अपने आप को बचा कर रखना. लेट्स सी, आप वॉरियर हैं माय डियर, बट बी केयरफुल. एक ही सेंटेंस में, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड. लेट्स सी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड से क्या मैसेजेस है आपके लिए. थैंक यू. आपको कोई बोल रहा है बहुत कुछ चमकीला कोई चीज़ों को लिए कि इस जगह पर इन्वेस्ट कर दे, नेक्स्ट 15 डेज में उस चीज़ से बचिएगा, ओके. अगर आपको लग रहा है कि कैसे पॉसिबल है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आपको कुछ कह रहा है बट आपके दिमाग में वो स्ट्राइक कर रहा है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, बचिए उस चीज़ से. दिमाग अगर कह रहा है कि कैसे पॉसिबल है, डेफिनेटली उस जगह पर कुछ प्रॉब्लम है. एंसेस्टर स्पिरिट गाइड देखते हैं, ट्रक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर हंटर. मैं आपको बोल रही थी ना, आप शिकार नहीं, आप शिकारी हैं. आपका एनर्जी में एक फायरी एनर्जी आ रही है. यहाँ पर डिजर्ट प्रिंस में एक लायन दिखाई दे रही है एंड हियर इज़ अ हंटर कार्ड. तो आपकी यू नो लंबी रेस के आप घोड़ा है माय डियर, बट शुरुआती दौड़ में बिकॉज स्ट्रक डाउन योर फियर्स, कोई डर अभी भी है तो उसको ख़त्म करने के लिए आपके एंसेस्टर स्पिरिट गाइड कह रहे माय डियर कि फिर से धनुष उठाओ, तुम लक्ष्य को भेद कर सकते हो, और एक ट्राई करो, और एक ट्राई. लेट्स सी कौन सी एंजल स्पिरिट गाइड को आप कॉल कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में, जो आपके मैनिफेस्टेशन, आपके डिज़ायर को फुलफिल करने में मदद करेंगे. लेट्स सी, आपको किसी बात की चिंता नहीं है माय डियर. लॉर्ड गणेश, रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल, क्लियर पाथ अहेड. जहाँ पर लॉर्ड गणेशा है एंड लॉर्ड गणेशा को आप कॉल कर सकते हैं, ओके. रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल नंबर 29. यहाँ पर इतनी सारी ट्रिकरी, इतनी सारी डिजर्ट प्रिंट्स, इतनी सारी कुछ नेगेटिव एनर्जी देखी, बट अल्टीमेट एनर्जी जो है गणेशा का है. किसी बात के लिए आप चिंता ना करें. आप एकदम से चाहे लोग परेशान करें और आप पर हावी हो जाए, बट कुछ पल के लिए टेम्पररी वो कभी हेवी नहीं होगा आपके लिए, ओके. क्योंकि आप उसको एकदम से क्लियर कर पाएंगे माय डियर लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग से, ओके. सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू. वेलकम ग्रुप नंबर थ्री. चलिए देखते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2022 ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए, फोकल पॉइंट, एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स एंड कौन सी एंजल स्पिरिट गाइड के साथ आप कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में, ओके. ग्रीन जेट ब्रेसलेट आपने चूज़ की है और आपकी इनिशियल्स. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ. थैंक यू. आपका एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू.
हिडन वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, हिडन वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस है नेक्स्ट 15 डेज में। एंसेस्टर एंड योर एंजल आप कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में। लेट्स सी, अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज ग्रुप नंबर 3। नंबर 28 विक्ट्री कार्ड है, काफ़ी हैप्पी हैप्पी। सिर्फ विक्ट्री मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत सारा खजाना आपके हाथ में लग रही है। विक्ट्री इट्स मीन्स आप बहुत हैप्पी हैप्पी। नंबर 28 नंबर 1 सन का एनर्जी है और मैं हमेशा सन की एनर्जी को मैं बोलती हूँ कि एक बच्चों वाली एनर्जी होती है उनकी चेहरे में, जिनकी सन बली है, सन एरीज में है, लियो में है, अटेंशन देना पड़ता है, यही एक दिक्कत है, अदरवाइज एक बच्चों वाली एनर्जी होती है। तो एक हैप्पी हैप्पी वाइब्स कार्ड को छूते ही आ रही है। विक्ट्री, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक अबंडेंट फील करना, प्रॉस्पेरस फील करना नेक्स्ट 15 डेज में। लेट्स सी, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ओके, डायरेक्शन नंबर 12, बट इस कार्ड में जो क्रो है उसकी बॉडी से कुछ यू नो दिव्य ज्योति के जैसे कुछ प्रतीत हो रही है, कुछ दिव्य ज्योति के जैसे निकल कर आ रहे हैं। एंड बैकग्राउंड में और भी बहुत सारे क्रो है बट इट्स वेरी डिफरेंट क्रो। नंबर 12 डायरेक्शन मुझे नॉर्थ नून नज़र आ रही है। 12 डायरेक्शन और लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट मैसेजेस से पता चलेगा। दिस इज अफेबल नंबर 51। ओ वेट वेट होलोन, इट्स मीन्स जैसे इस दो कपल क्रो इनकी एक यहाँ पर नेस्ट पे है, अचानक से होते ना, अगर आप देखेंगे कि बहुत अगर भारी से हेवी रेन हो रही है या फिर मान लीजिए बहुत ज़ोरों से हवा बह रही है तो बहुत चिल्लाना शुरू करते हैं कपल क्रो जो होते हैं, बिकॉज वो अपने एक को या फिर अपने नेस्ट को बचाने के लिए। अचानक से अगर तूफान उठे, अचानक से ज़ोरों से हवा बहना शुरू हो, अफेबल इट्स मीन सडन कोई इंसिडेंट जिसको हो सकता है आपको थोड़ी शेकी करे, बट दिस इज़ अ डायरेक्शन फॉर यू, दिस इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यहाँ पर नॉर्थ नोड अलाइंट हो रही है एंड समहाउ इट लुक्स लाइक जजमेंट कार्ड। जिस तरह से क्रो आकर बाकी क्रो को जैसे एक डायरेक्शन दे रही कि इस तरफ चलो अफेबल से बच सकते हो, जो तूफान उठी है इस तरफ से चलो बच जाओगे। तो यस, प्रॉपर टाइम पे जब भी मतलब अगर नेक्स्ट 15 डेज में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रही है, नैरो एस्केप में अब बच जाएंगे। एंड कोई कभी कभी मैं बोलती कि फरिश्ता जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, फिर भी मदद कर चले जाते हैं। दिस इज़ द एनर्जी, गुरु जिनके बलवान होते, लग्नेश जिनके बलवान होते हैं, योग कारक प्लैनेट बलवान होते, इसी तरह से नैरो स्केप में बड़ी बड़ी घटना से हम बच जाते हैं एंड समहाउ फिर से अगेन वो नेस्ट पर वापस आएंगे जब तूफान ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन है, स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स है नेक्स्ट 15 डेज में। लेट्स सी, थैंक यू। इवन मुझे अचानक से बारिश दिखाई दी क्योंकि बारिश हो रही है बैकग्राउंड में। हो सकता है आपने एकदम से बहुत सजावट बहुत कुछ की और बाहर जा रही और बारिश आ गई एंड आप एकदम से मूड आपका ऑफ हो गया। देन आप जब घर के अंदर जा रहे कि और जाना ही नहीं है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बारिश ख़त्म होगी। तो दिस इज़ द एनर्जी, शुरुआती दौर में आप कुछ और सोचेंगे एंड कुछ और में ही वो चीज़ें परिवर्तन होगा या फिर वो फलित होगा क्योंकि आपका जो मेन एनर्जी आई है दैट इज़ विक्ट्री। लेट्स सी, इट्स एक कोइंसिडेंस नहीं है, इस सिग्निफिकेंट मैसेज आपके लिए नंबर 28, नंबर 28 लक। सो डेफिनेटली एंड जैसे क्रो हो, जैसे मतलब यू नो आसमान की तरफ देख रहे हैं मछली उसके मुंह पे अपने आप ही घुस रही है, सो इट्स अ लक। लक इसे तो कहते हैं ना कि थोड़ी सी एफर्ट्स डालने से चीज़ें बन जाए, दैट इज़ लक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लक फेवर में होगा नेक्स्ट 15 डेज में, चाहे सिचुएशन जो भी हो, लक आपके फेवर में होगा। लेट्स सी, एंड आपकी एनर्जी को देख कर जैसे सिचुएशन चाहे जो भी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई स्प्रिट गाइड आपके साथ है, इनविजिबल पावर का सपोर्ट आपके साथ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे जैसे कोई इनविजिबल पावर सपोर्ट है आपके पास। मुझे ग्रुप 1 2 ग्रुप 1 मुझे थोड़ी डिफरेंट नज़र आई एंड डेफिनेटली दे आर वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड, बट आपकी एनर्जी, आप जितना स्पिरिचुअल है उससे कहीं ज़्यादा आपका पास्ट कर्मा ऐसा रहा होगा जिसके बदौलत कोई इनविजिबल पावर सपोर्ट है, कोई कुल देव देवी या फिर आपकी स्प्रिट गाइड। लेट्स सी, थैंक यू।
okay, King of Cups, okay, Ten of Cups, family के साथ घूमना, Ten of Cups, family reunion, get together, party, and Eight of Pentacles. I don't know, जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ना, जैसे कोई एक आँख बंद कर यू नो कोई डिटेल में कोई चीज़ को देख रहा है, जैसे कोई रील देख रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, किसी की फ़ोटो देख रहा है. पर्टिकुलरली अगर आप मैट्रिमोनियल साइट में है और शादी की लायक है आपकी यू नो रजिस्ट्रेशन वगैरह है मैट्रिमोनियल साइट में, तो जैसे आप एकदम से आंखें फोड़ फोड़ कर देखते हैं ना कि वो क्या करते हैं, कौन सी पेपर्स क्या है, इस टाइप की कोई चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है. किसी की पिक्चर देखना यू नो, एंड मुझे एक शॉपिंग लिस्ट भी दिखाई दे रही है इसकी रील के साथ भी, क्योंकि सब में पेंटाकल लगी हुई है. शॉपिंग लिस्ट, बिल, या दिस अ बिल. बट आप मतलब इस बिल को लेकर कोई ऐसा नहीं कि रिग्रेट फीलिंग्स है, नो 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 नो, इट्स अ वेरी हैप्पी हैप्पी वाइब्स. थैंक यू हम जैसे काम से थोड़ी छुट्टी मिली है आपको, बट फिर भी काम का कोई प्रेशर है कुछ व्यूअर्स के लिए, जैसे बीच बीच में आपको काम करना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ पर मुझे एट ऑफ पेंटाकल्स कर्म का भी एनर्जी आ रहा है, बिकॉज सभी पेंटाकल्स हैं. तो फाइनेंस को लेकर भी आप हो सकते काम, जो आपका काम है ऑफिस का, उसको लेकर भी कभी कभी आप बैठ रहे हो. ओके, लेट्स सी द हैंग्ड मैन. ओके, फाइव ऑफ वंड्स, लिपस्टिक की सेल चल रही है एंड सभी को लिपस्टिक चाहिए, जितना है उससे कहीं ज़्यादा हाथ है यहाँ पर, तो यहाँ पर झगड़ा तो लगेंगे ही. फाइव ऑफ वंड्स, सभी को ही लिपस्टिक चाहिए. ओके, एंड द जस्टिस कार्ड, अल्टीमेटली आपको तो मिली, दिस इज़ द जस्टिस. ओके, दिस इज़ हैंग्ड मैन एंड फाइव ऑफ वंड्स. इट्स मीन्स देखिए, ये जो सिचुएशन है, नेक्स्ट 15 डेज में ही आप एकदम से हैंग्ड मैन हो जाएंगे, हैंग्ड वुमैन हो जाएंगे, ऐसा नहीं है. कोई कैवाटिक, कोई कैवस कंफ्लिक्टेड सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है लंबी टाइम से, एंड हो सकता है मैरिज को लेकर वरिड है आप, अपने रिलेशनशिप मैरिज लाइफ को लेकर वरिड है आप, अपने बच्चे को लेकर वरिड है. बट नेक्स्ट 15 डेज में वो जिस मतलब जितना वरिड है उसको थोड़ी ना उसको आप सप्रेस कर रही हो, जैसे उसको थोड़ी पर्दा डाल रही हो, बिकॉज जस्टिस कार्ड है यहाँ पर. एंड विद दिस टेन ऑफ कप्स आप फैमिली के साथ यू नो इन्जॉय कर रही हो. कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है आप मैरिज के लिए देख रही हो, यहाँ पर कोई आपकी पिक्चर देख रही है, कोई प्रपोजल आपके घर वाले भेजे विद दिस किंग ऑफ कप्स, एंड वो आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करें. यू हैव ए साइलेंट ऑब्जर्वर और साइलेंट लवर, नॉट वेरी एक्टिव, नो नो नो, इट्स वेरी साइलेंट पैसिव लवर. Even if you're married, मुझे वो भी एनर्जी आ रही है. इट्स वेरी साइलेंट ऑब्जर्वर लवर. आप अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हो यहाँ पर. चलिए देखते हैं आपके लिए फोको पॉइंट, फोकस कहाँ रहेगा, तो और भी डिटेल में पता चलेंगे. लवर्स कार्ड हियर, लेट्स सी क्रिएटर, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके ओके, लवर्स, किंग ऑफ wants creator, and this is friendliness, two of cups, this is union here. Okay, आपका main focus point यहाँ पर relationship दिखाई दे रही है, mainly relationship, sexuality, intimacy, quality time spend करना अपने partner के साथ, family के साथ, union, because two of cups, lovers with two of cups, यहाँ पर mainly focus point relationship, marriage, main focus point रहेगा. Okay, let's see आपकी hidden world से क्या मैसेजेस आ रही है नेक्स्ट 15 डेज से. ओके, कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप्स, आस्किंग फॉर हेल्प, नंबर 33 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 28, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. नंबर 6 डे, 1st अक्टूबर से लेकर 15th अक्टूबर में, 11th डे, 10th डे, 10th अक्टूबर, 11th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 3rd अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए. ओके, एंड कैमल बॉय, स्मॉल स्टेप, आस्किंग फॉर हेल्प, 3-3, अगर ज़रूरत हो तो ज़रूर किसी से मदद लीजिए, किसी चीज़ के लिए अगर आपको समझ नहीं आ रही है, सेकेंड थॉट लीजिए, मदद लीजिए, हेजिटेट ना करें माइंड, क्योंकि एक कार्ड आपकी हिडन वर्ल्ड से आ रही है कि मदद है आपके पास, अवेलेबल है, डेफिनेटली वो आपकी स्पिरिट गाइड हो, इवन कोई ह्यूमन बींग्स आप जानते हैं वो ट्रस्टवर्दी है, वो एफिशिएंट है, एक्सपर्ट है, सो डेफिनेटली मदद लीजिए, किसी पर्सन का मदद ज़रूर लीजिए, मुझे लग रही है कि ज़रूरत हो सकती है, आप लीजिए ज़रूर. एंड
स्मॉल स्टेप्स का एनर्जी आ रही, तो याद रखिए अगर आप कोई काम कर रही है ना उसको क्विट ना करें, हो सकता है बिकॉज हैंग्ड मैन का एनर्जी है बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं दे, बट हिडन वर्ल्ड से मैसेजेस आई है कि बहुत जल्दी वो ग्रो करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स में चीज़ें आगे बढ़ रही है, बिकॉज हियर इज़ अ साइलेंट ऑब्जर्वर, क्वाइट पॉसिबल कोई पर्सन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आपकी तरफ आ रही है और यूनियन की तरफ आ रही है. ओके थैंक यू. लेट्स सी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज में. रिलेशनशिप डेफिनेटली आपका मेन फोकल पॉइंट रिलेशनशिप, लव हीलिंग, इवन आपका हार्ट चक्र हीलिंग भी ज़रूरी है. याद रखिए अगर आप खुद को वर्दी फील नहीं करते हो, खुद को लेकर आप गर्व नहीं करते, संसार में कोई आकर नहीं करेंगे. आप अगर खुद को मिरर में देखकर आपको सेल्फ डाउट होते, सेल्फ वर्थ इशू होती है, तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन में भी वो ब्लॉकेज आ जाएंगे. तो स्प्रिट गाइड करेगी कि पास्ट हार्ट वाउंड्स को हील करो, क्योंकि लव ऑन द वे है, लव इज़ इन द यार माई डियर फॉर यू एंड ट्रू लव, बिकॉज मुझे एक बिग रोज एंड रोज की ही, जैसे रोज ही वो ड्रेस ये पहनी हुई, रोज की ही एक ड्रेस जो रोज पेटल से फॉर्म हुई है ये ड्रेस, आपकी हार्ट चक्रा हील हो गई, क्योंकि कुछ हो सकता है पास्ट कोई इशू है आपकी, बिकॉज हैंग्ड मैन एंड यू नो फाइव पॉइंट्स क्या वॉस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में आप काफ़ी लंबी टाइम से उलझन में, आपको परफेक्ट मैच नहीं मिल रही है, दिस इज़ ऑन द वे. चलिए देखते कौन से स्प्रिट गाइड एंजल के साथ आप नेक्स्ट 15 डेज में कनेक्ट करेंगे. हैथोर सेलिब्रेशन रिजुविनेशन ग्रेटिट्यूड, तो हैथोर एंड अगेन 333 3 एंड 2 times 3 कार्ड आई है, 333 6 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए. हैथोर सेलिब्रेशन, मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर सेलिब्रेशन नज़र आ रही है, बट जो मिल रही है जितना मिल रही है ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, हैथोर को आप कॉल कर सकते हैं नेक्स्ट 15 डेज में, किसी भी चीज़ को लेकर उलझन में है यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, एंड हैथोर गॉडेस हैथोर डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे. ओके सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 एंड बहुत एंजल नंबर आ रही है आपकी, बहुत रिलेशनशिप एनर्जी आ रही है, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी विक्ट्री का आया हुआ है, तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है ग्रुप नंबर 3. जितने भी पायल मैंने देखी 1, 2, 3 में आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, बेस्ट है. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.